मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप सबको नमस्कार। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्लीवासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्लीवासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन सफाई बहुत ख़राब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और ख़ासकर ये जो तीन कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की ज़िंदगी है। एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। चारों तरफ मच्छर मक्खी हैं। इन पहाड़ों पे जब तब आग लग जाती है उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। अगर आसपास के लोगों से पूछें तो एक तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि इन तीनों पहाड़ों को ख़त्म करें, और जैसे दुनिया के अन्य शहर हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लाके हम दिल्ली में लागू करें, हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी। वो ना करके आज ये तीनों पहाड़ों की स्थिति ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की डेली हाइट बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन तीन पहाड़ों के अलावा ये लोग 16 और जगहों पे नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, अगर 16 कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में बन गए तो लगभग सारी दिल्ली के लोग 24 घंटे बदबू का शिकार होंगे। 24 घंटे आपके घर में बदबू आएगी। फिर ऑलमोस्ट हर इलाके के अंदर एक कूड़े का पहाड़ होगा, 24 घंटे बदबू आएगी, चारों तरफ 24 घंटे मच्छर मक्खी होंगे पूरी दिल्ली में, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिल्ली एक तरह से कूड़े के पहाड़ों की राजधानी बन जाएगी। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए, आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है, और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं, बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर बना माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे, दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा, और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्लीवासी भी इससे बहुत नाराज़ होंगे और देशवासी भी नाराज़ होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ सभी दिल्लीवासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे, और जो मौजूदा तीन पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी ख़त्म होने चाहिए। अगर तो एल जी साहब से मेरी बात हुई थी पिछली मीटिंग में, मैं उनके पास डेटा लेके गया था। मैंने कहा जी देखो, हर कूड़े के पहाड़ का डेटा था, जैसे उसमें से एक पहाड़ का था कि 2500 टन कूड़ा डेली आ रहा है वहाँ पे और 1500 टन की प्रोसेसिंग हो रही है,
तो 1,000 टन कूड़ा डेली ऐड हो रहा है वहाँ पे, कम होने की बजाय रोज़ ऐड हो रहा है, तो पहाड़ कम नहीं हो रहे, पहाड़ डेली ऐड होते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो पता नहीं मशीन ने कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 21वीं सदी के अंदर इन पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, अगर नीयत साफ है तो। पहले ये लोग कहते थे कि इनसे सरकारी स्कूल नहीं चलते, हमने सरकारी स्कूल चला के दिखा दिए। ये कहते थे इनसे सरकारी अस्पताल नहीं चलते, इनकी सारी सरकारें जो है वो हाथ खड़े कर देती हैं, हमने सरकारी अस्पताल चला के दिखा दिए। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। ये मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, मैं अभी ऑफ कुछ भी बोल दूं चुनाव की वजह से वो सही नहीं होगा, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। वो बना रहे हैं, हमारे लोग बना रहे हैं, मे बी इन अ डे टू वी विल बी रेडी विद इट। अबाउट वॉट, वो अभी सारा बना देंगे तो आपके वी विल कम बैक टू यू। नहीं, वो देश भर के अंदर अब जगह जगह, कहीं हमारे सरपंच जीत गए हैं, कहीं हमारे काउंसलर जीत गए हैं, कहीं हमारे मेयर बन गए हैं, तो पूरे देश भर में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंच से पंच मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक, उन सब की मीटिंग बुलाई गई है। सो इट्स बेसिकली जस्ट एक तरह से पूरा दिन सब लोग बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है, सब लोग बैठेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो मनीष साहू जी ने तो कह दिया भाई ये सीबीआई में जांच चल रही है, सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो, सीबीआई सोमवार तक कर ले, 4 दिन तो बहुत होते हैं, जांच कर ले, अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले, और गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफी मांग ले। And they are also alleging that there are direct links of this said individual Amit Arora with the people in the excise policy as well as excise तो करें, फिर करें, गिरफ्तार करें, ये सोर्सेस से स्टिंग से, मतलब आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि शराब घोटाला क्या है। पहले बोले जी 1.5 लाख करोड़ का, इनका एक नेता बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे होगा। एक और नेता बोले जी 8,000 करोड़ का घोटाला है, तीसरा नेता बोले जी 1,100 करोड़ का घोटाला है, एलजी साहब बोले जी 144 करोड़ का घोटाला है, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि 1 करोड़ का घोटाला है, और अंत में जब मनीष जी के यहाँ जब इन्होंने रेड मारी तो एक पैसा भी नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला, उनके गाँव होके आ गए, गाँव में सारा गाँव वालों से पूछा भी मनीष ने कोई जमीन वगैरह तो नहीं खरीद, कुछ नहीं मिला, तो घोटाला है क्या। बेसिकली मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी, पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी सबके ऊपर सीबीआई ईडी, इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना, ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा। आप स्कूलों की बात करो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखते हो, हमारी 95% प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉजिटिव चीजों के ऊपर होती है। कि अभी मैं जा रहा हूं एक स्कूल के बच्चों को, हमारे 1100 के करीब बच्चे जो हैं वो नीट और जेई के पेपर उन्होंने क्लियर किए हैं, बड़े बहुत बड़ी बात है। स्कूलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है इंजीनियरिंग के मेडिकल के पेपर पास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे अच्छा काम करो ना, पॉजिटिव काम करो, जबरदस्ती सबको सबको दुखी कर रखा है इन्होंने। किसकी बात करती रही है? हाँ कर लें, ही इज फ्री टू डू इट, इसमें हम क्या टिप्पणी करें। उन सिविल सर्वेंट्स को ये भी लिखना चाहिए कि गुजरात में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, गुजरात में जहरीली शराब से कई लोग मर गए, गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्केल पे ड्रग्स का इंपोर्ट हो रहा है, इनके बारे में भी उनको चिंता करनी चाहिए। सर, वन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तमिलनाडु बीजेपी अब प्रीवियस की डिबेट चल रही है इस वक्त,
बांटेंगे जो लोग जो बच्चे पैदा उनको बांटने दो। थैंक यू।